मामला गोवर्धन विकासखंड के गांव देवसिरत का है, जहां शाहिद खान पुत्र रोशन निवासी देवसिरस ने आरोप लगाया है कि गांव देवसिरस में ग्राम पंचायत सहायता के पद की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें 37 गोला पुत्र जगन ने झारखंड स्टैंड ओपन स्कूल से फर्जी 12वीं की ज्यादा अंक वाली अंक तालिका बनवाकर ग्राम पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसके आधार पर 12 आवेदकों में वह चयन प्रक्रिया लिस्ट में प्रथम नंबर आ रहा है, जो कि सरासर फर्जी वाला हो रहा है। इस संबंध में आज शाहिद खान ने उपजिला अधिकारी महोदय गोवर्धन को तहसील में जाकर लिखित शिकायत पत्र सौंपा और 37 गोला पुत्र जगन सिंह के शिक्षा दस्तावेजों की जांच के लिए गुहार लगाई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उपजिला अधिकारी महोदय गोवर्धन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन को जाँच कर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि क्या 37 गोला पुत्र जगन सिंह के शिक्षा प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं या नहीं, क्या फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत सहायता पद देवसिरस की नियुक्ति होती है, या असल और सत्यता के आधार पर किसी और आवेदक को यह पद प्राप्त होता है, यह तो जांच के बाद खुलासे में ही स्पष्ट हो पाएगा। शाहिद खान, कहाँ से आए हैं आप? देवसिरस। आज यहाँ SDM साहब के ऑफिस में क्यों आए हैं आप? बस मैंने ये कंप्लेंट दी थी और सर ने ये बोला है कि जो भी है चेक होगा उसका। मतलब क्या कंप्लेंट है आपकी? ग्राम पंचायत सहायक के लिए आवेदन किया था मैंने, और उसमें एक गांव के ही सतीश नाम के लड़के ने फर्जी मार्कशीट बनवा के झारखंड से वो लगा दी है, तो उसने अपना चयन करवा लिया है। उसमें मैं ये चाहता हूँ जो भी उसका हकदार है उसी को मिले बस। तो SDM साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने बोला है जो भी है चेक होगा, जाँच कराई जाएगी।